हेलो गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक मॉन्टेज लाइक, मतलब पबजी मॉन्टेज। इंडिया में तो बीजीएमआई हो गया है, तो हाउ टू मेक बीजीएमआई मॉन्टेज लाइक आपकी टू ओपी गेमिंग। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था हाउ टू मेक थंबनेल लाइक आपकी टू ओपी गेमिंग। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोग मुझे पूछे कि आपकी भाई कैसे मॉन्टेज बनाता है, मतलब जो भी कलर ग्रेडिंग होता है और जो ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से देता है, मतलब कैसे बनाता है वो मॉन्टेज, वो भी दिखा दो भाई। तो मैंने सोचा चलो भाई एक वीडियो ही बना देते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को भी पता चल जाएगा। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स से, मतलब सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वैसा मॉन्टेज बनाया जाए। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप लोग सब कर पाओगे ठीक से करना। जो भी स्टेप्स मैं दिखाऊँगा वो एकदम ठीक से करना। जो जो ऐप लगेगा वो भी मैं बता दूँगा वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना। मिस करोगे तो आपका ही मॉन्टेज ठीक ठाक नहीं बनेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो भाई, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो चलो भाई वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी भाई के जैसे मॉन्टेज बनाना ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और मैं तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। और आप लोगों को सिर्फ दो ऐप्स लगेंगे, एक है काइन मास्टर एंड दूसरा है 3D लूट या LUT जो भी बोलो, 3D LUT या 3D लूट जो भी बोलो, वो आप लोगों को प्ले स्टोर में ही मिल जाएगा। काइन मास्टर से होगा हमारा वीडियो एडिटिंग, जो भी मॉन्टेज का जो भी एडिटिंग होगा वो काइन मास्टर में होगा। और काइन मास्टर में ही सब लोग मॉन्टेज बनाते हैं, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और 3D लूट या जो भी LUT जो भी बोलो, उसमें होगा हमारा वीडियो का कलर ग्रेडिंग। तो चलो पहले दिखाता हूँ जो भी काइन मास्टर में जो भी होगा वो। तो आप लोग काइन मास्टर ओपन करने के बाद 16:9 रेटियो का कुछ भी एक बना लेना फाइल। तो बाकी का वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों को मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग सच में आपकी TOP जैसा मॉन्टेज बनाना चाहते हो तो आपकी भाई के जैसे स्किल्स भी ज़रूरी है। मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ तो भी ठीक है, लेकिन आप लोगों को अपना स्किल्स बढ़ाना ही पड़ेगा। आप लोगों को अगर आप लोग अच्छा खेलोगे तो आप लोगों का मॉन्टेज में ज़रूर से व्यूज आएगा। हार्ड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप लोगों का अपना स्किल नहीं बढ़ाओगे ना तो आप लोग जितना भी अच्छा एडिटिंग कर लो भाई मॉन्टेज में व्यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों का स्किल्स ही लोग देखेंगे। पहले ना आए हो सकता है, लेकिन आप लोग अगर नोटिस में आ जाओ ना पब्लिक के, तो आप लोगों का मॉन्टेज में व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। जैसे कि अब 14-year-old किड का जो ट्रेंड चल रहा है मॉन्टेज के ये जो फील्ड में, तो सब देखो कितना अच्छा मॉन्टेज बनाता है। हम लोग सिर्फ ये आपकी TOP भाई के जैसे ही मतलब देखते थे सिर्फ वहाँ पर ही, लेकिन ये बंदे भी बहुत ही अच्छा मॉन्टेज बना रहे हैं। मैं भी बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा 2 हफ्ते का मॉन्टेज देखना, उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मेरे को हार्ड प्रैक्टिस करके ही मैं मॉन्टेज बनाऊँगा, इसलिए मैं 2 हफ्ते का मॉन्टेज से ब्रेक लिया। तो अब मैं जो नया वीडियो बनाऊँगा मतलब मॉन्टेज, वहाँ पर आप लोग देखना मेरा स्किल्स बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। इस वीडियो के बाद शायद आ जाए वो मॉन्टेज, तो ज़रूर से देख लेना। मुझे पता है ये एडिटिंग के वीडियो में मैं ये सब ऑफ टॉपिक में चला गया, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी बात था इसलिए आप लोगों को बोला, क्योंकि आप लोग का स्किल ही मैटर करता है भाई। आप लोग अगर एडिटिंग भी नहीं करोगे ना, मॉन्टेज का स्किल अगर अच्छा हुआ तो आप लोग वैसे ही बहुत व्यूज़ पाओगे। तो मेरा ये बोलने का एक ही मकसद था कि आप लोग का स्किल भी आप लोग बढ़ाओ, तो ही आप लोगों का मॉन्टेज और भी अच्छा लगेगा। तो चलो अब असली बात में आते हैं कैसे एडिटिंग करते हैं। तो चलो फिर से काइन मास्टर में जाते हैं। तो मॉन्टेज यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगा, मतलब ज़्यादा तो बड़ा नहीं करूँगा ना, थोड़ा सा शॉर्ट्स में ही मैं दिखाऊंगा जो भी मॉन्टेज है। यहाँ पर थोड़ा सा ही क्लिप रखूँगा। आप लोग अपने स्किल बढ़ाने के बाद आप लोगों का हर एक क्लिप ही अच्छा होगा, तो अपना बेस्ट जो क्लिप है वो चुन लेना। यहाँ पर मैं सिर्फ 4 क्लिप्स दिखाऊँगा, आप लोग तो मतलब ज़रूर से बहुत ही क्लिप्स रखोगे, क्योंकि 2-3 मिनट का तो मॉन्टेज बनाओगे ही। तो अब मैं और एक क्लिप यहाँ पर जुटता हूँ, तो यहाँ पर देख लेते हैं तो कैसा हुआ। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा छोटा कर लेना जो भी क्लिप होगा। आप लोग जहाँ पर किल करोगे वो स्पीड में रखना, थोड़ा सा पार्ट एकदम थोड़ा सा पार्ट स्लो कर देना, तो देखना कितना कूल लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पर एक कट लगा लिया मैंने, अब यहाँ पर ये जो पार्ट है मैं स्लो कर दूँगा। तो अब देखो मारने के बाद ही स्लो जैसा हो जाएगा, बहुत ही कूल लगता है, सब यूज़ करता है, आप लोग भी यूज़ करना। यहाँ पर थोड़ा सा बाकी का पार्ट मैं कट कर दूंगा, तो अब देखो भाई कितना कूल लग रहा है।
तो चलो अब बाकी का दिखाते हैं। अब आप लोगों को अपना जो सॉन्ग है मॉन्टेज का वो ऐड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर डेविल 911 जो सॉन्ग है वो यूज़ किया, बहुत ही मज़ेदार है, मतलब अच्छा है। अगर आपके मॉन्टेज में स्नाइपर किल्स है तो आप लोग जरूर से बीट पे मिलाने का कोशिश कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोग के पास सिर्फ क्लच है तो वही रखना, वहाँ पर बीट का कोई काम नहीं है, लेकिन स्नाइपर किल्स है तो बीट में ज़रूर से मिलाना। तो जैसे मैं यहाँ पर बीट में मिला रहा हूँ, देख लेते हैं कहाँ पर ठीक ठाक होता है। आप लोग देख लीजिए मैं जहाँ मतलब जैसा कर रहा हूँ। अब लगता है हो गया है ठीक ठाक। यहाँ पर साउंड बढ़ा लेना जो असली का पार्ट है, अब देखते हैं तो एकदम बिल्कुल ठीक ठाक ही है जहाँ पर बीट है। अब यहाँ पर मैंने और भी कुछ क्लिप्स ऐड किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये दो न्यू क्लिप्स। तो अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है कि आपकी टू की जो ट्रांजिशन यूज़ करता है वो भी बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उसका जो ट्रांजिशन है बहुत ही स्मूथ और कूल है, तो इसलिए बहुत लोग वैसा ट्रांजिशन यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑनेस्टली एक बात बता देता हूँ, मुझे एकदम सेम टू सेम वैसा ट्रांजिशन इफेक्ट मिला नहीं, तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट ट्रांजिशन इफेक्ट मिला है जिसको आप उस इफेक्ट के जगह में यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को पहला वाला दिखा देता हूँ। पहला वाला है मोशन कट, वहाँ पर एक ट्रांजिशन है जो बहुत ही कूल है, एकदम बराबर तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा ही मतलब मिलता जुलता है। तो ये सब ट्रांजिशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है शॉप का, वहाँ से ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर थोड़ा सा ढूंढ लेना कहाँ पर है मोशन कट, मैंने तो बहुत पहले डाउनलोड किया था तो मुझे नहीं पता कहाँ पर है, तो आप लोग वहाँ पर ढूंढ के डाउनलोड कर लेना। तो चलो मोशन कट में जो इफ़ेक्ट है वो उसको दिखाता हूँ, वो है ये। यहाँ पर एकदम मतलब ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा सा मिलता जुलता है ठीक ही, लेकिन कैसा लग रहा है। तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मिल जुल नहीं रहा, थोड़ा सा बहुत ही अलग है, थोड़ा सा बहुत ही अलग, क्या बोल दिया भाई मैंने। तो इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मैं सेकेंड वाला जो है वो ही आप लोगों को मैं यूज़ करने को कहूँगा। बहुत लोगों को पता भी है जो सेकेंड वाला मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं इस वीडियो में मैं बोल दूंगा, तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा। तो सेकेंड जो है वो है जूम स्विच, वो आप लोग शॉप से डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ पर जो दो इफ़ेक्ट है वो एकदम सेम टू सेम ही है लगभग। तो वो दो इफ़ेक्ट है वो है 9 और 10 वाला जो इफ़ेक्ट है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो, देखो एकदम बहुत ही सेम टाइप का है। यही 10 वाला जो है वही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो देखो ये भी आप लोग उसके बदले में यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हर एक जगह में इफ़ेक्ट दे के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो। तो हर जगह में इफ़ेक्ट लगाना कंप्लीट हो गया, तो अब देखते हैं कैसा हुआ जो मॉन्टेज है हमारा शॉर्ट मॉन्टेज। तो आप लोग देख लिए कैसा था, एकदम ठीक ठाक ही था, आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। तो हमारा जो काइंड मास्टर में जो एडिटिंग का पार्ट था वो तो ठीक ठाक हो गया। अब हम लोग जाएंगे हमारा जो कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट है उसमें। तो चलो पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेना, यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप लोग 3D LUT जो ऐप है वो ओपन कर लेना। 3D LUT ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर ओपन गैलरी ऑप्शन में क्लिक करना। ओपन गैलरी में क्लिक करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग अपना वीडियो देख सकते हो, मैंने यहाँ पर स्पीड कर दिया। आप लोग यहाँ पर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन सब बढ़ा लेना, मतलब ठीक ठाक अपने हिसाब से, लेकिन ये कलर ग्रेडिंग नहीं है, वो तो मैं बाद में दिखाऊँगा। तो यहाँ पर जो LUT वाला ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना, वहाँ से ही आप लोग बहुत सारे ग्रेडियंट पाओगे। तो वहाँ पर आप लोग जाने के बाद यहाँ पर देखो कितना सारा ग्रेडियंट है, आप लोग यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हो आप लोग अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप लोग अक्की भाई का जैसे मॉन्टेज बनाने जाते हो तो यहाँ पर टॉप 25 नाम का एक ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर देना। टॉप 25 पे क्लिक करने के बाद भी आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे ग्रेडियंट मिलेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो बहुत सारे है, ये तो क्या हो गया भाई। और यहाँ पर जो आड़ापाहो नाम का जो ग्रेडियंट है वो ही है असली ग्रेडियंट, ये सोलोराज भाई भी यूज़ करते हैं, हमारे अक्की भाई भी यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो ग्रेडियंट है आप लोग यहाँ पर कमा बढ़ा के देख लेना, ज़्यादा नहीं रखना, थोड़ा सा कम रखना, मैं जहाँ पर दिखा रहा हूँ वैसा ही रखना। तो देखो यहाँ पर सेम टू सेम ही हो गया है, तो ऐसा ही रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डीप फायर रखते हैं लेकिन ये भी चलेगा। आप लोग थोड़ा बड़ा कमा के भी देख सकते हो आप लोगों के हिसाब से, तो मैंने तो यही मेरे को ठीक लगा। तो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट भी कम्प्लीट हो गया, तो
हमारा वीडियो यहाँ पर ही जो मॉन्टेज है वो एडिटिंग यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया। अब इसको सेव टू गैलरी कर देना और गैलरी में सेव हो जाएगा और आप लोग यूट्यूब में अपलोड कर पाओगे। तो देखो सब बढ़िया ही हुआ, तो आप लोग भी पूरा कोशिश करना, मैंने जो जो भी दिखाया वो आप लोग ठीक से करना, तो आप लोग का भी मॉन्टेज एकदम एक्यूरेट होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प किया होगा। तो अगर हेल्प किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़, और वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, और वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दो कि कैसा था वीडियो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।